अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रोही रंग टीवी। दोस्तों आज आपको हम दिखाने वाले हैं एक चोलिस्तान डेजर्ट का रहन सहन और विलेज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये चोलिस्तान डेजर्ट में जो कैमल जिसको कहते हैं ऊँट, वो इस वक्त रोही से वापस आ चुके हैं, अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं और इसके जो साथ ही मालिक के पीछे वो भी इनके पीछे पीछे आ रहा है। अभी जो रोही डेजर्ट में चरवाने के लिए गए थे तो अभी वापस आ चुके हैं, शाम का वक़्त हो गया है। तो अभी ये हमको रास्ते में मिले, हमने कहा कि ये भी अपने जो है नाज़रीन को दिखा दें। ये देख सकते हैं पानी की बोतल भी इसके साथ है। और दोस्तों ये रहन सहन है उनका, आप पहुंच चुके हैं हम उस विलेज, उस बस्ती, उस जो है वो जगह पर जहां पर हमने जो आपको एक्टिविटी दिखानी थी। तो ये इनकी एक्टिविटी है, ये आपके सामने है, ये उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से बताते चलेंगे। ये जो होती है इसमें हम कहते हैं इसको अपनी ज़बान, यानी हम अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लोग जो रहते हैं इसको पल्ली भी कहते हैं। ये लोहे की बनी होती है, इसमें गंदम रखी जाती है, स्टॉक की जाती है। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो इन्होंने घास रखा हुआ है माल मवेशी के लिए, और जो आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले, और यहाँ पर जो पल्ली वगैरह होती हैं कागज़ की बनी होती है, तो उसमें इन्होंने टूड़ी जिसको हम कहते हैं वो भी स्टोर की हुई है माल मवेशी के लिए। तो ये इनके मकान आते हैं, तो कुछ दिन पहले यहाँ पर तेज़ तरीन बारिशें हुई थी जिसकी वजह से इनके मकान टूट फूट का शिकार हैं और ये बेचारे बहुत ही परेशान हालत में हैं, परेशान हैं। तो बारिशें मुसलसल हुई हैं, बारिशों ने तबाही मचा दी है। अपनी मदद आपके तहत कई तो मकान इन्होंने तामीर कर दिए हैं, रिपेयर कर दिए हैं, और कई मकान जो हैं वो रहते हैं वो भी कर रहे हैं ये। और अभी तक इनकी कोई जो है माली मदद वगैरह तो नहीं की गई, लेकिन जो है वो ये मदद आपके तहत रिपेयर कर रहे हैं अपने मकान। तो अल्लाह इनको जो है वो पूछ रखे, अल्लाह इनको कामयाबी दे, हमारी यही दुआ है, और जितनी भी हो सके हम इनके हेल्प करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका किचन का सिस्टम है, किचन का सेटअप है, और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर जो रोटी पकाने के लिए यहाँ पर तवा रखा जाता है वो भी मौजूद है। तो उसके बाद आपको ये दिखाएं, मज़े की बात ये है कि इनके पास लाइट इस्तेमाल करने के लिए ये सोलर सिस्टम है, बहुत वीडियोस में आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो ये MP3 भी इनके बीच में है, FM रेडियो जिसको कहते हैं वो भी इसमें है, और उसके अलावा लाइट्स भी इसमें लगी हुई हैं। और ये तंदूर इस वक्त टूट फूट का शिकार है, तंदूर ख़त्म हो चुका है, और ये इनकी मुकम्मल बस्ती है, विलेज है। तो यहाँ की जो औरतें होती हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं थी, नहीं तो उनकी एक्टिविटीज़ और उनका जो खाने पीने की शे वगैरह बनाती हैं तो वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता। लेकिन इस वक्त कपास में, जो आपको पता है इस सीज़न में कपास की जो चुगाई वो शुरू हो जाती है, तो वो वहाँ चली गई थी। लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे भी बहुत जो इनके मड हाउस है जिसको कहते हैं वो घर मौजूद हैं, कच्चे मकान वो दिखाते हैं उनकी एक्टिविटी और रहन सहन। तो ये बस्ती तकरीबन बहुत ही पुरानी बस्ती है, यहाँ पर इनका जो रहन सहन है, और यहाँ पर बहुत ही अरसे से ये बैठे हैं, और मकान जितने भी इन्होंने बनाए हैं अपने हाथ से बनाए हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कच्चा मकान इसको नहीं कह सकते, इसको छपरा भी कह सकते हैं, इसको ठारा भी कह सकते हैं,
क्योंकि ये लकड़ का और जिसको हम अपनी ज़बान में सर भी कहते हैं उसे बनाया गया है सरूट। तो ये देखें, ये इसका किचन सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। तो इनका बिल्कुल ही एक निज़ाम जो है वो देसी निज़ाम है और देसी रहन सहन है। तो पुराना जो पुराना तरीका होता था, पुराने जो है वो सदियों साल पुराना एक होता था रहन सहन का सिस्टम, वो इनका है पुराना। तो ये जो है अपने दूसरा परंदों के लिए जगह बनाई गई है, कबूतर वगैरह होते थे, कुकड़ी वगैरह मुर्गियों के लिए। तो बर्तन भी इसके ऊपर ही पड़े। तो ऐसी वीडियोस हम दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल ऐसी अपडेट्स दिखाएंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे मॉर्निंग रूटीन भी आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएँ वीडियो कैसी लगी। तो ये उनका रहन सहन आपने देख लिया। तो ये बहुत ही एक महज़ गरीब लोग हैं और इनका जो अपना रहन सहन का जो मकानात थे वो भी इस वक्त टूट फूट का शिकार हो चुके हैं मुसलसल बारिशों की वजह से। और ये लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, अल्लाह इनकी जो परेशानियां हैं दूर करे। वैसे बस ये घूमता फिरता छा चींदो आबे ए टिटी या मालो बारे टटी। अच्छा कुछ हम बात की हुआ। अच्छा अच्छा अरे देख यो खैर राजी ठीक अल्लाह खैर दुआएं अल्लाह की जाने सारी पूरी। तो दोस्तों आपने इस बूढ़े की जो गुफ्तगू थी वो सुनी, क्योंकि ये बहुत ही एक पुरानी उम्र के हैं। तो इसकी उम्र जो है अभी काम करने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही एक मेहनतदार लोग हैं, मेहनतदार तबका है। तो ये काम बहुत ही अपनी लगन और मेहनत से करते हैं, अल्लाह इनको खुश व आबाद रखे। दोस्तों अगर ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।